दगड़ियों आपक स्वागत छे मेरा यूट्यूब चैनल बीना रावत। ठीक छे दगड़ियों, आज देखो हम बनाना चाहो काली मसूर दाल। हम बना रहे हैं काली मसूर की दाल। ये मैंने उबाल दी, इसमें सब नमक मिर्च सब डाल दिया। अब हम इसका तड़का बना रहे हैं, ठीक है। और ये अभी बताएंगे आपको, ये हमारी उत्तराखंड की फेमस डिश अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। जरा दाल तड़क लूं तब देखो। देखो जी, ये हम जीरा डाल दिया, हमारा भून गया। अब ये जा रहा है हमारा अदरक लहसुन और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च देंगे। काली मसूर की दाल नमक मिर्च सब मैंने उबालते समय डाल दिया था। अभी हमारा जीरा अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च फ्राई हो रही है दाल के लिए। अभी आपको दिखाएंगे, प्याज भून जाएंगे तभी एक टमाटर तेल डाल के दिखाएंगे। हमारे सब कुछ भून के तैयार हो गया। अब हम डालेंगे डालना इसमें टमाटर। और हमारे टमाटर भुनिया फिर ये देखो, ये दाल के लिए ये काली मसूर दाल इनका हमारे टमाटर भुनिया था। अब ये टमाटर भुन जाओ तब हम दाल डालना पड़ेगा। भुनकर बेकिन तैयार। और अब हम अपन दाल का ही डालना काली मसूर दाल बनके तो हो गया तैयार। अभी ये उबाला आएगा तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखो दुगड़े हमारी दाल हो गया बनी तैयार, ये देखो, ठीक है। दाल बन गई हमारी तैयार और हम ये तक करना था बंद। और फिर देखो ला तुम तई अपर उत्तराखंड फेमस डिश पलो। दगड़िया आओ ये देखो हमारे उत्तराखंड का डिश बनी चे, ये जो पले हो ये छन जम रहे आप, ठीक छे। और यूं खीर भी बन दी, खीर भी बना जाए हम। अब ये मेर दगड़े दे मिता मिजबान दीदी तुम जम रहे आप खेला मिजबान, हाँ पले हो बनो ला हम दे दिया। तो ये छन घर में उर ख्याल कुटीन छे जम रहे आप, तो देख थोड़ा कटीन छा जो मशीन में कूटदा ना होता वो कटी नहीं होता साबत होना, ये थोड़ा कटीन छा नहीं होता धूला और पले बनो ला। ये अच्छा हमारे छाछ, ठीक छे ये हमारे छाछ और कम पड़े ली तो हम ये तभी डाल। अब ये पले माखना यू चु लून, अब ये लून कन पीछे जाली देखो ये डंठल हमारे लखी जाए बचे खन। ये नमक बहुत बढ़िया हूँ मतलब ये डंठल फिंगड़ने चाहिए ये नमक नमक या कुछ भी सब्जी में जब तुम गरे पीसते हो ना कुछ भी चीज तो उपमा पीस दिया, जैसे टमाटर के साथ पीस दिया तो बहुत स्वाद आती हूँ तो ज्यादा ही डंठलो। तो मीनबाल आज हम यूं को लून पीसला पलियो माखण, तो अब देखो हम लून पीसी के तुम पति खोला, ठीक है। ये इसमें धनिया डंठल लहसुन पत्ते भी ले सकता तुम, ठीक है। पर ये डंठल भी बढ़िया हूं पत्ता भी ले सकता। ये पुदीना, ये पुदीना पत्ता, तो ये पुदीना भी ये मजार, तो इसका काट के सिलबटम धरी का लून पिसला बढ़िया सी। आइयो लहसुन हमें डाले नी एक्स्ट्रा चीज एक दर तो है ना। आइए छन हमारे हरी मिर्च, ये अब हम यू तब पिसला पलियो मार, तो एक मार नमक डाल दियो ना तो बढ़िया से पिसे जा ली, नमक डाल के बढ़िया सी पिस जाएंगे। देखो तुम हरी लून पुदीना हरा धनिया मिर्ची लहसुन ये सब पीसेगा नमक बढ़ोला, जब हम ये पलियो बढ़ोला तो एक माँ डाली गण खाओ तो बहुत बढ़िया लगो। और ये झमरेला तो खीर भी बन दी या इसको समा के चावल बोलते हैं। और हमारे गांव में झुंगर हो गया झुंगर,
झंगरिया और ये कर समा के चावल बोलते हैं और ये बर्ती रहते हैं जो वो खाते हैं, फलार बोलते हैं जिसको। हमारे यहाँ इसका झंगोरा भी बनता है, पलेओ भी बनता है, खाते हैं हम बहुत। देखो भाई बहनों पीसी कण बारीक पीसी गया यू नमक के साथ बहुत बारीक पीस जाता है, ये चटनी जैसा हो गया। अब इसको लहसुन भी है, पुदीना भी है और इसमें धनिया भी है, धनिया के डंठनों की बड़ी अच्छी खुशबू आती है और इसको तुम पराठे के साथ भी खा सकते हो, है चटनी रोटी के साथ भी खा सकते हो, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। और जो हमारे गांव में ये बनता है पलो उसमें खासकर ये ऐसे खाते हैं। ये बनके हो गई तैयार, देखो सिलबट्टे में नमक डाल के पीसो ना, सब बारीक इतना बारीक बन गई है, बारीक पीस जाती है देखो ये चटनी। अब इसका दिखाएंगे आपको, उसको दिखाऊंगी ये धो के तब मैं कढ़ाई में डालूंगी ये छाछ के साथ। देखो देखे ये मैं धुए झंगरिया, ये यहाँ इसको समा के चावल बोलते हैं और इसकी खीर भी बनती है और यहाँ ये व्रत में खाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ इसकी खीर बनती है और हमें पलेओ बनाते हैं इसका ऐसे, इसको वो ये छाछ डालेंगे हम यहाँ। गैस लाइटर को इसमें डालेंगे हम छाछ, और कम पड़ेगी तो ये भी डालेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम फौरन ये, अब इसको बस हिलाते रहना है इसको ऐसे करछी से जब तक इसको उबालना है, नहीं तो ये गुठली बन जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा उत्तराखंड की डिश पलेओ, फेमस उत्तराखंड की डिश पलेओ। तो ये बढ़िया होता है खाने में भी, नमक डाल के इसका इसके साथ यही नमक खाते हैं लोग, ये मीठा डाल के भी बनाते हैं, गुड़ डाल के भी बनाते हैं, मीठा पलेओ बोलते हैं। कोई खट्टा खाता है, कोई मीठा खाता है, हम तो आज खट्टा बनाएंगे। आज है संडे तो सहेली ने दे दिए थे मेरे को, बोलता दीदी बना लेना, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं इसकी एक डिश ही बनाएंगे और फिर दिखाएंगे कि हमारे उत्तराखंड में ये भी बनता है। जब ये उबल जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी। देखो दगड़ियो ये थड़कन बैठ गया हमारे पलियो, ठीक छे। और हमने ये खट्टी छे हमने वो छाछ तो नहीं डाला, पैकेट वाला छाछ नहीं डाला हमने, वो लोटे वाला था उसी को डाला, वो खट्टा सा था और नहीं डाला। अब देखो अब ये थड़कनो जो, अब फिर थोड़ी देर हम दिखोला आ पाता है ये तक कितना गाढ़ा होता है, कितना पतला होता है। देखो देखो ये पलेओ हमारे इन बनो चो, अभी थोड़ी देर हम फिर दिखोला तुम था ये एक शक्ल, ठीक है। ये देखो अब ये पूर्ण नहीं पकना, थोड़ा सा और कसर रही है। अब ये थड़कनो चो देखो हमारे पलेओ चो, ठीक है। अरे ये हमारे मूड़ पे सोचा है, ये देख लिया ये नमक चाहिए एक दगड़ा पर नमक कुछ मैं भी खा लिया। अरे ये हमारे दाल च, ये देखो दाल दिखे थे ना तुम तक, और ये हमारे चौल चन चावल। अब मेरे लिए दो रोटी बनेंगे और एक कटोरी हम पलेओ खाएंगे, ठीक है। चटकारा दार नमक वाला हमारे पलेओ बनी हो गया तैयार, ठीक है। ये देखो आज हमन काम कर रहा है, ये गरम गरम खाओ पलेओ बढ़िया, नहीं तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये गरम गरम खाते हैं, गरम गरम बनाते हैं और नमक के साथ बहुत स्वादिष्ट बहुत बढ़िया होता है। अब जल्दी से आ जाओ पलेओ खाने के लिए, जो पलेओ का शौक इंचा जल्दी से जल्दी, ठीक है दगड़ियो। और ये पड़े हुए हमारे तैयार, रिटेस कर दे आमन बंद बस। और मेरी वीडियो देखना कर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो देख के जो अच्छा लगे आपको ये डिश तो मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।